महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं। और महोदय, जो हेमंत ने कहा कि सोरसाई भूत अच्छे, उसको ध्यान से समझिएगा। यहाँ माननीय शिबू सोरेन जी, हम सबके इस झारखंड के बड़े नेता हैं, उनको जेल किसने भेजा, कब भेजा और कैसे भेजा, छिपा हुआ क्या? महोदय, जिन शिबू सोरेन जी को जेल भेजने का काम कांग्रेस ने किया था, आज उनके साथ सरकार बना रहे हैं, और जिसपे उंगली उठा करके आप आदिवासी विरोधी होने का बात कर रहे हैं, उसी बीजेपी ने तत्कालीन मुख्यमंत्री अपने बाबूलाल मरांडी जी के कहने पर शिबू सोरेन जी को राज्यसभा का सदस्य बीजेपी के विधायकों ने बनाया। ये मैं बताना चाहता हूँ। आज हेमंत सोरेन जी झारखंड के एक बड़े नेता बने हैं। हेमंत सोरेन जी को, माननीय महोदय, कांग्रेस का चरित्र को समझाने का जरूरत है। हेमंत सोरेन जी को पहली बार विधायक से उप मुख्यमंत्री बना करके उनके प्रतिभा से दुनिया को परिचय कराने का काम किसने किया? भारतीय जनता पार्टी के अलायंस के साथ बनाया, तब जाके सरकार बनी। आप सब लोग जानते होंगे मोदी, पहली बार इस भारतीय गणराज्य में एक जनजातीय महिला को, इस झारखंड की नतनी को, देश का महामहिम राष्ट्रपति बना करके आप कह रहे थे ना कभी सर्वोच्च पद पर नहीं जाएगा, सबसे सर्वोच्च पद पर भेजने का काम किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने किया महोदय। कई एक पद्मश्री, चाहे सिमोन उराव जी हो, चामी मुर्मू जी हो, कड़िया मुंडा जी हो, किसने दिया? कांग्रेस ने दिया क्या? भारतीय जनता पार्टी ने दिया। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में पूरे देश दुनिया में धरती आबा बिरसा मुंडा के उस पवित्र भाव को स्थापित करने का काम किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने किया महोदय। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मधुकोड़ा जी महोदय, आदिवासी, अभी हेमंत जी ने कहा कि एक लोग कहते हैं कि भाई, अभी कुछ लोगों ने कहा है कि भाई आदिवासी जंगल में रहते हैं, एकदम गलत बात है, नहीं होना चाहिए। लेकिन हेमंत जी इसी सदन में बैठा हुआ है व्यक्ति जो खड़ा होकर चिल्ला रहा है, इसी सदन में उसने कहा था कि आदिवासी चलाक हो जाएगा। ये कैसे हो सकता है, आदिवासी चलाक हो जाएगा? डॉक्टर इरफान अंसारी ने इसी सदन में आदिवासियों के जो है काबिलियत में बताने का काम किया। वो क्या बात करेंगे? कांग्रेस का आदिवासी प्रेम सिर्फ छद्म है महोदय। और मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे जितने भी मुख्यमंत्री हुए, जो गैर बीजेपी के मुख्यमंत्री हुए हैं कांग्रेस के समर्थन से, कांग्रेस जिसके साथ सटा है उसको खा गया है घुन की तरह। वो पहले देश की सत्ता में थी तो पूरे देश को, संसाधनों को घुन करके खा गया, और जिस पार्टी के साथ रहा है उसको घुन करके खा गया। मधुकोड़ा जी को मुख्यमंत्री बना करके एक आदिवासी भाई को जेल में पहुंचाने का काम किसने किया? आज झारखंड के इतिहास में आदिवासी शिबू सोरेन जी को, आदिवासी मधुकोड़ा को, आदिवासी हेमंत सोरेन को जेल में भिजवाने का काम कांग्रेस ने किया है, उनके कृतित्व ने किया है। और अगला बारिश जी, सावधान रहिए, आपको आप पे नजर है, थोड़ा सावधान रहने का काम करिए। और खाली यही तीनों नहीं, देश के अंदर जयललिता को मुख्यमंत्री रहते हुए किसने जेल भेजने का काम किया? देश के अंदर चाहे ओम प्रकाश चौटाला हो, कोई एक उपवाद नहीं है हेमंत जी, अगर यदि बीजेपी की सरकार नहीं रहती तो इतना दिन आपको रहने का मौका मिलता क्या? जिस तरह से यहाँ के लोगों को भ्रष्टाचार के कारण यहाँ के लोगों की हत्याएं हो रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर को खराब कर रहे हैं। चलिए अमर बाबू आगे बढ़े। महोदय, अभी वो लोग 20-20 मिनट बोला, नहीं आप तो हम अकेले बोल रहे हैं, इसीलिए आपसे पूछ रहे हैं हम। एक मिनट बोलने दिया जाए, आप बोलने दिया जाए महोदय, आप जल्दी करिए, अब आगे बढ़ेंगे जल्दी। और एक बाध्यता है जो बाद में बता देंगे, इसीलिए हमने इस बात को आपके समक्ष रखा। महोदय, हम लोगों भी बोलने दिए, अच्छा फिर ना हम लोग मिलेंगे, फिर मिलेंगे, आप बोलेंगे, सबका सुनेंगे, क्या दिक्कत है, सबको बोलने का मौका देंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए महोदय, कांग्रेस की तासीर को समझिए। कांग्रेस कभी नहीं चाहता है कि यहाँ के लोगों का भला हो, क्यों? क्योंकि कांग्रेस की बुनियाद ही देश के गुलामी को पुख्ता रखने के लिए हुई थी। 1885 में ए ह्यूम
एक बाहरी व्यक्ति ने कांग्रेस की स्थापना करी थी और उसने रखा था कि देश में गुलामी कैसे, जो धरती आबा बिरसा मुंडा, जो तिलका मांझी, जो फूलो झानो का आंदोलन था, उस आंदोलन के तपिस से वो इतने डर गए थे कि चिरकाल तक अंग्रेजों का शासन ना रहे, ये जानते हुए कि पिछले डेकडोर से कैसे कांग्रेसियों के माध्यम से हम शासन करें। आप लोग अपने वक्तव्य में बातों को काटेंगे, आप लोग अपने वक्तव्य के दौरान बात को काटेंगे। माननीय सदस्य, ये देश विरोधी, ये देश विरोधी कांग्रेस, आप लोग अपने वक्तव्य में बात को काटेंगे। देश विरोधी कांग्रेस, बढ़िया, देश विरोधी कांग्रेस, राष्ट्र विरोधी कांग्रेस, झारखंड विरोधी कांग्रेस। इस कांग्रेस ने हमारे अमर शहीदों के झारखंड को बनने का मौका नहीं दिया। महोदय, झारखंड किसने बनाया? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनाया, भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, इनको मालूम होना चाहिए। आज पूरे देश के अंदर जनजातीय भाइयों को स्थापित करने का अगर काम, एक मिनट महोदय बोलने दिया जाए थोड़ा सा। महोदय विधायकों को मैं एक बात छोड़, बोलेंगे ना बात, आप बोलेंगे ना, बोलेंगे ना, आप बैठिए ना, बोलेंगे। वक्तव्य में जवाब देंगे, वक्तव्य में जवाब देंगे। इरफान साहब चलिए चलिए चलिए, वक्तव्य में जवाब देंगे। कंक्लूड कर रहा हूँ, बोलिए, बैठे उनको बैठे, हो गया बोलेंगे। आलम साहब बोलेंगे, माननीय आलम साहब बोलिए, चलिए 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 अब।